जो तमे वरसाद पछी क्यांय फरवा जवानुं विचारता होय तो पहोंची जाओ गीर सासणना लीलाछम जंगलमां नजारो जोवा। कुदरतना खोळे नैसर्गिकता माणवा अने वनराज सावजने निहाळवा। कारण के 16 ऑक्टोबरथी गीर जंगल अने गिरनार जंगलने प्रवासीओ माटे खुल्लुं मूकवामां आव्या छे। शनिवारे सवारे 7 वाग्ये प्रथम सफारीनुं DCF द्वारा प्रस्थान करावामां आव्युं हतुं। सफारी सीजन शुरू थता 2 वर्षथी रोजगारनी आशाए बैठेला गाइड अने जिप्सी ड्राइवर्समां नवो उत्साह जाग्यो छे। अहीं आवेला प्रवासीओ पण खूब उत्साहित जोवा मळ्या। 1 અઠવાડિયામાં જ 22 ઓક્ટોબર સુધીની ઓનલાઈન પરમિટ ફૂલ થઈ ગઈ છે। 2 વર્ષના કોરોના મહામારી બાદ આ વર્ષે ગીર જંગલમાં પ્રવાસીઓ ઉમટી પડશે। ખાસ કરીને દિવાળી વેકેશનમાં અહીં વધુ ભીડ જોવા મળશે। आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी जो हमने सुबह में देखा कि टूरिस्ट का इनफ्लो भी बहुत ज़्यादा था, और ऑनलाइन बुकिंग का हम जब देखते हैं तो उसमें भी हमारा जो जितने भी 3 स्लॉट है, हर दिन के 3 स्लॉट रहते हैं, वो सारे के सारे खुलते हैं। तो इससे ये दिखता है कि टूरिस्ट का काफ़ी इंटरेस्ट है और वो गिर में आना चाहते हैं और उनको एक वाइल्ड लाइफ का व्यूअरशिप अच्छे से हो या एक नेचर के करीब जा कर के वो एंजॉय कर सके, उसी तरह का एक यहाँ पे माहौल देखने को मिल रहा है। इसी के तहत में हमने काफ़ी कुछ टूरिस्ट के लिए यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्रिएट की हैं, जैसे कि कोविड की सभी कोई गाइडलाइन को ध्यान में देखते रहते सैनिटाइजर्स हैं और जो मास्क है, सभी टूरिस्ट से भी रिक्वेस्ट हैं कि इसमें सहयोग करें। बाकी जो देख रहे हैं आप उसमें से जिप्सी वगैरह में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, व्हीकल्स वगैरह का और का, और जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी इम्प्रूवमेंट किया है। ચોમાસાની સિઝનમાં 4 મહિના સિંહોનો સંવનન કાળ હોય છે, એટલે દર વર્ષે 15 જૂનથી 15 ઓક્ટોબર સુધી વેકેશન હોય છે। ગીર સાસણમાં રોજગાર અને વ્યાપારનો માત્ર સફારી દર્શન જ સ્ત્રોત છે, ત્યારે 2 વર્ષથી બંધ સાસણ ફરી ધમધમતું થતાં જાણે નવજીવન મળ્યા હોવાનો અહેસાસ અહીં ટુરિઝમ સાથે સંકળાયેલા લોકોમાં જોવા મળી રહ્યો છે। જૂનાગઢથી ભાર્ગવી જોશીનો અહેવાલ, ગુજરાત તક।